Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from latest. भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए, और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए, और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है। हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, कि अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे दो सन्यासियों की हत्या कम हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी और ऐसे मन परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपने स्वाभाविक है, उनके चपेट में न आके हम सारे भेद की स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। भय क्रोध ये जो दो दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था, धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले, मानव पर उपकार करने वाले लोग, उसका दुख हम सबके मन। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है, विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है, उसका हम सब लोग